मंडला जिले की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन जिसका निर्माण कार्य लगभग 5 सालों से चल रहा था, जैसे जैसे ट्रैक कंप्लीट हो रहे थे वैसे वैसे उस स्थान तक रेल लाइन चालू हो रही थी। पिछले कुछ वर्षों से जिले के नैनपुर से जबलपुर तक ब्रॉडगेज ट्रेन प्रारंभ कर दी गई थी। उसके बाद जिले के नैनपुर से चिरईडोंगरी तक 20 किलोमीटर तक के ट्रैक में ट्रेन चालू कर दी गई, लेकिन चिरईडोंगरी से मंडला फोर्ट तक का 32 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य अधूरा था, जो कुछ दिन पहले ही पूर्ण हुआ था, जिसका ट्रायल करना बाकी था। इसी टेस्टिंग के लिए सोमवार को ट्रायल इंजन चिरईडोंगरी से मंडला फोर्ट तक चलाया गया, जिसका जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बमनी बंजन स्टेशन पर राज्यसभा सांसद संपति अविके ने ट्रायल इंजन का स्वागत किया। वहीं मंडला फोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की रेलवे संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी मौजूद रहे, उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हो कि जन सैलाब, यहाँ पे लोगों को बहुत खुशी है कि अब हमारी ट्रेन बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होगी। सबसे बड़ी मांग है हमारी बमनी बंजर की, समस्त जनप्रतिनिधियों की और सभी आम जनता जनार्दन की, सभी व्यापारी बंधुओं की, कि यहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए। जैसे कि पहले जो छोटी ट्रेन चलती थी तो यहाँ पे एक स्टेशन थी, तो वही लोगों का मांग है कि यहाँ पे स्टेशन होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नैनपुर के बाद चिरईडोंगरी और चिरईडोंगरी के बाद सीधे मंडला को रखे, और मैं भी यहाँ पे, चूँकि मैं यहाँ से हूँ, इसलिए मैं भी चाह रही हूँ कि बमनी में स्टेशन बननी चाहिए। उसके लिए मैं लगातार मांग कर रही हूँ, और अभी हमारे सम्माननीय अधिकारी गढ़ आए हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ की जिस तरीका से भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पे डोलोमाइट है, यहाँ पे सीमेंट के पत्थर हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे कान्हा पास में, समीप में कान्हा है, 150 गांव का ये सेंटर है, तो उस हिसाब से मैं चाह रही हूँ, आम जनता की डिमांड के हिसाब से हमारे आदरणीय रेलवे मंत्री से भी निवेदन करना चाहूँगी, GM से भी निवेदन करना चाहूँगी और निर्माण एजेंसी से भी चाहूँगी कि यहाँ पे स्टेशन बननी चाहिए। ये आम जनता की मांग है और पहले भी यहाँ पे रही हुई है, इसलिए आज मैं समस्त जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप पुनः हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से छोटी रेल लाइन जब बंद हुई थी तो उस समय में लोगों को बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, और वर्षों से जिस तरीके से कानों में आवाज़ गूंजती थी, लोग कहते थे कि अब बस ट्रेन चलने वाली है।